फाइनली पहुंच गए हैं गंगा नान सुक्कर ताल में। देखो जी उसी पे गाना ही लिखा, डेरा हो गया तैयार। बोल गंगे मैया की। गणेश धाम की हाइट है 77 फीट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तोमर एंड पवी ट्रेवल। सो मैं बहुत लंबे समय के बाद व्लॉगिंग वीडियो कर रहा हूँ। आज ये मेरा पहला वीडियो है लगभग 6 से 7 महीने बाद। और जैसे आप देख रहे हो भाई, जाटो किसान महिंद्रा ट्रैक्टर पे के ऊपर आ चुके हैं हम। तो फुल तैयारी के साथ हम जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए सुक्करताल। सुक्करताल जैसे आपको पता है मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है। वैसे तो मखदूमपुर का नाण भी होता है और गढ़ का नाण भी होता है, पर हमारे यहाँ जो सबसे नजदीक है वो है सुक्करताल का नाण। पर वो कहते हैं कि जाटो के तो तीन ही होते हैं, त्यौहार होली दिवाली और तीसरा नाण। तो गंगे मैया की जय बोल के चलते हैं सुक्करताल और आपको दिखाते हैं पूरा व्यू। बोले शंकर भगवान की जय। चलो आइए। बोल गंगे मैया की जय। देखिए मेरठ है यहाँ से 67, मुजफ्फरनगर है 23, हरिद्वार, और हम पहुंच गए मोरने के पाड़े पे। बुग्गी ऑल सेट, एक्टर ऑल सेट, और ड्राइवर चेंज होता हुआ काला। अगर काले तन्ने कहीं अड़ा दी ना, तेरा बक्कल तारुआ। बल शंकर भगवान की। चलो जी, भारतकालीन पर्यटन तीर्थ स्थल सुक्करताल पहुंच गए हैं और अपना महिंद्रा 265 Ti प्लस प्रशांत उर्फ काले और पीछे राठी जी, ये हमारे बल्ला भाई विक्की भाई। तो भाई अपने ट्रैक्टर के साथ सुक्करताल पहुंच गए हैं और ये देखिए शुरू से ही बड़े अच्छे डेरे देखने को मिल रहे हैं। काफी उत्साह है क्योंकि लंबे समय के बाद इतना बढ़िया नाण भर रहा है। भाई ये देखिए सुखदेव जी का गेट, बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो भाई फाइनली सुक्करताल पहुंच गए हैं और ये देखो भाई कितने डेरे हैं यहाँ। देखते हैं अपने ट्रैक्टर रोकने की जगह कहाँ मिलती है। नई जगह मिलेगी तो कोई बात नहीं, बुग्गी गई बना देंगे। मीठा पान हो गया। पहुंच गए हैं गंगा नान सुक्करताल में और ये अपना डेरे की है। तो भाई हमने तो व्यवस्था कर रखी थी कि अपना जो डेरा है वो बुग्गी पे ही लगाएंगे। डेरा हो गया तैयार ट्रैक्टर के पीछे ही, क्योंकि हमें पता था यहाँ पे पानी वाणी सब मिलेगा। तो देखो अपनी व्यवस्था, हम जितने भी ब्लैंकेट लेके आए थे ना वो हमने इसमें पीछे लगा दिए, ये साइड में कमर लगाने के लिए। अच्छा ये हमारे काकरान भाई अंबाला से आए हैं स्पेशल नहाने के लिए। 250 किलोमीटर का सफर करते हुए उसके बाद आए हैं हमारे नहाने में और ये अपनी व्यवस्था, यहाँ खाना है, ये हमारे बैग। ओह भाई एक लंबी मेहनत के बाद डेरा हो गया सेट, ऑल सेट। चार भाई के बैठने की व्यवस्था भी कर दी, पीछे लगा दिए ब्लैंकेट और ये भूखा परिंदा भाई 250 किलोमीटर से तो आओ एक बार घर लो जा, खाना भी खा ले करो भाई। इतना सस्ता नशा क्यों करो तुम? सस्ता नशा कर रहे है, सुक्करताल आ गई है ज्यादा सस्ता। और दो परिंदे भी रह ही रहे, जो जैसे भी दो परिंदे आते हैं उनसे मिलवाते हैं,
एक बार मेले में घूम के आओगे फिर अपना आगे लौटेंगे। चलो फिर यहाँ से चलते हैं मेले में। बस 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 भाई आज मेरे हर्षित राठी भाई का जन्मदिन है तो हर्षित राठी भाई को स्पेशल माउंटेन ड्यू का केक कट करते हुए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे हर्षित भाई। बोले शंकर भगवान की जय। भाई दो परिंदे और आगे आर्यन और अदित्य ठीक है। ये है हमारे तुषार बल्ला सुमित इसमें ये है मेन गंगा का घाट ठीक है जी। बाकी भीड़ बहुत ज्यादा है आज अब जा गंगा में गोता लगाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं उसके बाद चलते हैं बाकी मंदिरों पे। गंगा स्नान हो चुका है और हमने फूल अर्जित करके गंगा को अभी चलते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। भाई भाई पानी बहुत ठंडा है मतलब कील सी चुभे बिल्कुल पर कोई नहीं गंगा में तो डुबकी लगानी चाह बाकी भी चलते हैं यहाँ से सुखदेव जी दर्शन के लिए वहाँ पे प्रसाद चढ़ा के फिर से अपना खाना खुना करते हैं। चलिए ठीक है भीड़ तो कम है भाई सीढ़ी सी चमक रहा ज्यादा भीड़ है पूर्णिमा की रात और यहाँ पे सुखदेव जी का नजारा अलग ही बन रहा है भाई। तो ये है सुखदेव जी मुख्य द्वार तो यहाँ से हाँ जी तो प्रसाद तो ले लिया है और अभी हम पहुँच गए सुखदेव जी पे। सुमित भाई ज्यादा दूर तो नहीं आए चल गए भीड़ बहुत कम है भीड़ कम है भाई वैसे तो यहाँ लाइट थोड़ी कम है बाकी अभी पहुँच गए सुखदेव जी के लिए बहुत सारी मान्यताएं हैं पर जो प्रसिद्ध है वो है यहाँ महाभारत काल में अर्जुन के पोत्र राजा परीक्षित अपने अंतिम समय में यहाँ अमर कथा सुनने के लिए आए थे। सो जब से ही ये जो पेड़ है यहाँ ये अमर पेड़ के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो अमर कथा हुई थी वो इसी पेड़ के नीचे बैठ के सुनाई गई थी। बाकी यहाँ जो मंदिर है वो बड़ा शांत सुंदर है। चलो अभी प्रसाद चढ़ाते हैं। हनुमान मंदिर और उसी की बिल्कुल बगल में सटा हुआ सुखदेव जी चरणदास मंदिर। ये है गणेश धाम जहाँ 41 फीट की गणेश की प्रतिमा है। वैसे तो सबसे पहले हमें प्रसाद चढ़ाने के लिए यहीं पे आना चाहिए था लेकिन वही है कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से पहले हम सुखदेव जी से होते हुए आगे निकल तो इसके भी थोड़े से जो वीडियो है मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। काफी लाइटिंग है काफी डेकोरेशन हो रखी है और ये है हनुमान धाम। आपको बता दो कि हनुमान धाम की ये प्रतिमा की हाइट है 77 फीट मतलब ऐसे भी करके देख सकते हैं या नहीं और अगर आप यहाँ पे लाइव होते तो ज्यादा अच्छे से दिखाई देता क्योंकि ये फोन में भी नहीं आ रही है मतलब हाइट इतनी ज्यादा है बट सच में बहुत सुंदर आकृति है। बजरंगबली की जय। चलिए अभी मंदिर में घूम लेते हैं अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है बस थोड़ा बाहर से देख लो आप और यहाँ पे सब राम नाम लिखे हुए। और हाँ एक पॉइंट और रह गया कि जब ये प्रतिमा बनी थी ना तो इसके अंदर कागज पे लिख के राम नाम 7 करोड़ नाम इसके अंदर डाले हुए हैं। शायद ये फैक्ट आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सुखदेव जी हनुमान धाम गणेश धाम सारे धामों पर प्रसाद चढ़ा दिया और अभी यही है हनुमान धाम में और यहाँ से अब चलते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है और खाने के भी अभी तृप्ति हो चुके है। और ये है मेले का मेन गेट आप देख सकते हैं काफी सजावट हो रखी है और वहाँ कहीं दूर रागणी प्रोग्राम चला हुआ है। और भाई मेले या नाण में आए चुस्की ना खाएं ये भाई जो हमारे राठी जी है ना ये इनकी फेवरेट है। क्या नाम है इसका? 3-in-1 1-2-3 अलग अलग नाम से जानी जा रही है क्योंकि चुस्की तो हमारी हमेशा ही फेवरेट रही है। भाई छोटे तारी है आराम से कहती चुस्की नहीं चले जा मेरी। इस आइसक्रीम में 3 फ्लेवर है जहाँ भी टच करते है ना अलग स्वाद आता है बेहतरीन। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका सब्सक्राइब और कमेंट हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए।
चलिए अभी तो यहाँ से डेरे पे चलते हैं, खाना खाते हैं, तो जो सुबह के नज़ारे होंगे ना वे दिखाता हूँ मैं आपको, वो ज्यादा अच्छे होंगे। हाँ जी गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 7:30 बज गए हैं, नींद तो ऐसी आई 1-2 घंटे की क्योंकि पूरी रात तो इधर से उधर। एक तो हमारी जो बग्गी थी इसके बीच में स्पेस बहुत कम था, 5-6 लोग ही सो पाए आराम से हम, तो अभी यहाँ से चलते हैं। और जो रात आपको मैं सुखदेव जी के और हनुमान धाम और गणेश धाम के जो दर्शन नहीं करा पाया उनकी वीडियो अभी कवर करने की कोशिश करूंगा, है ना, देखना आप वो कितने सुंदर है। और यहाँ से गंगा घाट पे भी चलेंगे, वहां पे हाथ पैर धो के जब प्रसाद चढ़ाएंगे, हालांकि मैं प्रसाद ऑलरेडी चढ़ा चुका हूँ रात, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार चले जाएंगे आप लोगों के लिए। और वैसे तो मतलब बहुत सारी जो बग्गी है, ट्रैक्टर ट्रोली है, वो जा चुकी है, ऑलमोस्ट 50% जो नाण है वो तो चला गया, लेकिन चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। राठी जी चलोगे आप भी? बिल्कुल। चलो भाई फिर तो यहाँ से गंगा पे चलते हैं, उसके बाद चलते हैं हनुमान धाम गणेश धाम की। देखो भाई इस वजह से रात हमने डेरा जो धरती में गिरा था, ये देखो कितना गिल्ली है मट्टी, इसके अंदर था हमारा डेरा और ट्रैक्टर के पीछे जुड़ा हुआ है, ये देखो आधे से ज्यादा नान चला गया अभी सुबह 7:30 बजे से पहले ही। तो अभी यहाँ से हम भी बस प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद हम भी चलते हैं, या नहीं तो ट्रैक्टर को यहीं छोड़ते हैं, इस बार पैदल नहीं, दो बाइकों के साथ जाएंगे, एक पक्षित एक पौदित, बस इन पे सेटल डाउन होके यहाँ से गंगा घाट हनुमान धाम सुखदेव जी जय। चलो चल भाई चल। देखो भाई यहाँ भीड़ भयंकर भीड़ है भाई। भाई राठी जी हम सही रह गए थे, कैमरा तो ना लिए थे क्योंकि इस हिसाब से तो नंबर नहीं आने, क्योंकि अब तो बहुत भीड़ है। देखो रात ठंड तो बहुत थी, बड़े आराम से नंबर आ गया था। और चलो कोई बात नहीं, अब भी हाथ पैर धो गए चलते हैं मंदिर की ओर। और चलो भाई अभी हमने भी हाथ पैर धो लिए, हम भी चलते हैं मंदिर की ओर अभी। और यहाँ गंगा घाट पे एक विशाल भंडारा चलते हुए, तो प्रसाद ले लेते हैं। वैसे तो गंगा स्नान में खिचड़ी को ही प्रसाद बोला जाता है। थैंक यू सर। भाई वाह भाई वाह, पूरी हलवा, ओ हो 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 हो, बोल गंगे मैया की। अभी तो इनके प्रसाद चढ़ रहे, देख लो यूनिक होना चाहिए, इसको लेट बोलते हैं मेरे भाई, यूनिक नहीं बोलते। राठी जी जो प्रसाद चढ़ाने के लिए आए ना इसको लेट बोलते हैं, यूनिक वर्ड ना दो इसे भाई। सुबह अब 8 बज रहे हैं। लो जी हम पहुंच गए हैं सुखदेव मंदिर पर। ये है वो अमर पेड़, ये रात की वीडियो में आपको नहीं दिखा पाए थे, अगर आपने यहाँ तक देख रहे हो तो इस पेड़ के आप दर्शन कर सकते हो। इस पेड़ को और इस सुखदेव जी धाम को लेके बहुत सारी मान्यताएं हैं। अब देखो ये कितना विशाल का ये पेड़ है, इसको अमर वृक्ष के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। एक और मान्यता है कि अगर आपकी कोई विश है, इच्छा है, तो आप यहाँ पे धागा बांध के उस मन्नत को मांग सकते हैं, वो जल्दी पूरी हो जाती है। एक इसके पेड़ के पत्ते कभी नहीं सूखते, अगर आप अपनी किताब में या घर पे ले जाकर रखते हैं। बहुत सारी मान्यताएं हैं ना। और एक और जैसे इशारा कर रहे हैं ना ऊपर की ओर, तो ये माना जाता है कि जब अमर कथा सुनाई जा रही थी तोता मैना का जोड़े ने अमर कथा सुनी थी, वो आज तक भी इस पेड़ पर कहीं है। अगर आपको नजर आ रहा है तो बता दो, हमें तो नजर आ नहीं रहा। हाँ जी हाँ, वेरे वेरे दिखे दिखे दिखे, बिल्कुल सही। राठी जी तुम्हें दिखे क्या कहीं को? चार दिखे। कहाँ? मैं तो मतलब दो जोड़े ही जाऊंगा। हाँ सच में ये मान्यता है कि जिनको वो जोड़ा दिखाई देता है ना वो स्वर्ग में जाते हैं। तो राठी जी को हमारे तो दो जोड़े दिख गए, तो ये सीधा स्वर्ग के द्वार खुले हुए इनके। यहाँ पे देखो ये कितने जो ये धागे बंधे हुए ना, ये किसी की विश है। और एक और जब आपकी विश कंप्लीट हो जाती है ना तो इसको भी आप आगे खोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि अपना पर्टिकुलर खोलना है, किसी का भी खोल दो। ये देखो
ये पेड़ को बांध के गिर। आपकी कोई इच्छा है, आप धागा बांधना चाहोगे? इच्छा तो समाप्त नहीं होती इंसान। राठी जी को चाह रही है एक गर्लफ्रेंड, एक नौकरी, एक गाड़ी और बस। मेरे पेड़ के नीचे एक हमारे मित्र हैं, सहपाठी हैं, साथ बिछाने के नहीं भाई जी। जय हो। आपके तो दर्शन भी दुर्लभ हो गए। हम तो आपके दिल में है यार। नहीं वह बहुत बहुत कोरोना फैलाने वाले भाई। शुक्रताल नान घर वापसी करते हुए बोल गंगे मैया की। बढ़िया। तो भाई अभी पहुंच गए हैं गणेश धाम, और ये है गणेश धाम। गणेश की प्रतिमा की ऊंचाई है लगभग 41 फीट, और सुंदर, मतलब फोन में तो ओरिजेंटल में तो आ भी नहीं रही है, कुछ ऐसे देख सकते। भाई गंगा नान घर जाते हुए, और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं हनुमान धाम। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हनुमान धाम की इस प्रतिमा की ऊंचाई है 77 फीट, सॉरी। और ये राठी जी का पशु आर्यन। पुत्र हनुमान की जय। तो ऐसा करते हैं कि एक शुक्रताल गंगा स्नान का एक छोटा सा व्लॉग वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफी लंबे समय के बाद आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अगर कोई गलती होगी तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना। एंड आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे लोकल में ये बढ़ने वाला एक प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है,
अगर इसके बारे में आपको कुछ भी अच्छा जानने को मिला हो तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।